हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन, नंबर 11 का दूसरा क्वेश्चन, नंबर 11 का दूसरा जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर बोला जाए तो पूरे पूरे एक्सरसाइज में अगर कोई बहुत ढंग का क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकता है, वो है 11 का पहला और दूसरा। तो हम दूसरा के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि इसी तरह आपको आपका पसंदीदा डाउट का सॉल्यूशन मिलता रहे। शेयर दोस्तों के लिए, लाइक मेरे लिए, और कमेंट अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अब ये बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है आपका कि सो डैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो सर, ये डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए बोला है, हमको तो कंटिन्यूटी निकालने आता है, बाद में आगे कुछ आता नहीं है। पर एक बात और आता है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ लेफ्ट और राइट का मालिक यही होगा। एक बात और आ गया समझ में, दोनों का मालिक यही होगा। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चेक x इक्वल टू जीरो पे एक नंबर लाइन खींचती है, सजावट करना है। जीरो इधर क्या लिखना है आपको? RHL। इस साइड आपको लिखना है LHL, और जीरो प्लस, और इसी का मतलब होता है x बैठेगा बड़े कुर्सी पे, ठीक है। फिर जीरो माइनस x लेस देन जीरो, x बैठेगा छोटे कुर्सी पे। अब fx इक्वल टू आपका हो जाएगा e पे पावर 1 बाय x माइनस 1, और 1 प्लस e पे पावर 1 बाय x। और इस साइड का जो मालिक होगा, मतलब इस साइड का जो फंक्शन होगा, वो भी वही होगा, e पे पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 और 1 प्लस e पे पावर 1 बाय एक्स। इसमें कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। पर एक बात और जान लीजिए, अगर x टेंडिंग टू 2 प्लस है तो हम x के जगह पे 2 रखते हैं जब क्वेश्चन में अट्रैक्शन ना हो, और जब x क्वेश्चन में अट्रैक्शन हो तो x के जगह पे 2 माइनस रखते हैं। तो अट्रैक्शन क्या क्या होता है? तो मॉड होता है, सिग्नम होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और एक जान लीजिए 1 बाय एक्स भी अट्रैक्शन है, 1 बाय एक्स भी अट्रैक्शन है। अगर आपको थ्योरी पार्ट के बारे में और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम कंटिन्यूटी का पूरा थ्योरी दे देंगे, का लिंक दे देंगे आपको। कंटिन्यूटी 2021 प्लेलिस्ट में है, उसमें पूरा आपको कंटिन्यूटी अच्छे से बताया गया है। तो चलिए हम लोग LHL को निकालते हैं सबसे पहले। तो LHL में क्या आ जाएगा? LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस e पे पावर 1 बाय एक्स माइनस 1, और नीचे में e पे पावर 1 बाय एक्स और प्लस 1, कुछ ऐसा ही है आगे पीछे, ठीक है यही है। अच्छा चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन बना आपका, ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से आपको ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट में सबसे पहले हम लोग फॉर्म चेक करते हैं। तो आप ये आप बताइए, एक्स के जगह पे आप जीरो रखिएगा या एक्स के जगह पे जीरो माइनस रखिएगा? तो सर, अगर अट्रैक्शन नहीं रहता तो एक्स के जगह पे जीरो रखते, तो इसको नहीं रखना है आपको, एक्स के जगह पे जीरो माइनस रखना है। थोड़ा रख के देखते हैं, तो e पे पावर 1 बाय 0 माइनस माइनस 1, और e पे पावर 1 बाय 0 माइनस आप प्लस 1। जानकारी के लिए बता दें आप लोग को कि 1 बाय 0 माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी, और e पे पावर माइनस इन्फिनिटी होता है अप्रॉक्स 0।
कहानी बना 0-1 और नीचे में बना 0+1 इक्वल टू -1। इसमें कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। पहले फॉर्म चेक करते हैं, तो हमने इसमें फॉर्म चेक किया और आंसर आ गया। अरे आ गया आंसर, अगर इनडिटर्मिनेट आता तब ना लिमिट सॉल्व करते, जरूरत ही नहीं है। चलिए ई पे पावर 1/0 ई पे पावर -∞ और अप्रॉक्स 0 के। अब बात करते हैं आरएचएल आपको निकालना है, क्या निकालना है आरएचएल। तो आरएचएल अगर आपको निकालना है तो एक काम और करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0+fx, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0+ ई पे पावर 1/x -1 और नीचे में ई पे पावर 1/x +1। अब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 0+ रखा, जैसे 0+ रखा तो 1/0+ होता है इन्फिनिटी, और ई पे पावर इन्फिनिटी होता है, ये भी होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी -1 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी +1 होता है इन्फिनिटी, मतलब आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये आ गया सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जैसे ही हमने x के जगह पे 0+ रखा आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमको लिमिट फाइंड करना होगा। अब लिमिट फाइंड कैसे करें, तो सर लिमिट फाइंड करने के लिए आपको एक टेक्निक लगाना होगा, सबको डिवाइड कर दीजिए ई पे पावर 1/x से। सबको अगर आप डिवाइड कर देते हैं ई पे पावर 1/x से, तो आपके सामने आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0+1 -1 ई पे पावर 1/x और नीचे में 1+1 ई पे पावर 1/x। फाइनली आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0+1 ई पे पावर -1/x और नीचे में 1+ ई पे पावर -1/x। ध्यान देने वाली बात है कि अब जब आप x के जगह पे 0+ रखेंगे तो -1/x जो है 0+ ये हो जाएगा -∞, और e पे पावर -∞ हो जाता है 0। मतलब आपका कहानी हो गया 1-0 और 1+0 मतलब 1। तो ये जो वैल्यू है ये आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया, जैसे आप x के जगह पे 0+ रखें। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, सबसे मेन बात जो इस क्वेश्चन का था कि आपको डिवाइड करना होगा e पे पावर 1/x से। तो पहले हमने फॉर्म चेक किया, अच्छा ध्यान दीजिएगा LHL में फॉर्म चेक किए आंसर आ गया, लेकिन RHL में फॉर्म चेक किए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, और फिर हमने लिमिट को फाइंड किया। तो LHL और RHL बराबर नहीं है। खैर एट ए पॉइंट अब कितना दिया हुआ है, एट ए पॉइंट हमको लगता है दिया हुआ है 0, तो LHL RHL बराबर नहीं है, तो हम बोल देंगे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और थोड़ा सा ये फास्ट बताया जाता है इसमें, क्योंकि आप डिटेल में कहाँ पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूटी 2021 नाम का प्लेलिस्ट है उसमें।